हाय, तो आज मैं माइनक्राफ्ट को बिल्कुल ट्रेलर जैसा बनाने की कोशिश करूंगा, जो कि दिखने में कुछ ज्यादा ही अच्छा होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अभी तो ये नॉर्मल सा माइनक्राफ्ट है, एकदम सिंपल वाला। ये देखो, एकदम नॉर्मल चीजें हैं, सब कुछ नॉर्मल, दिखने में एकदम अपना नॉर्मल माइनक्राफ्ट है। एंड जो मैं इसको बनाने वाला हूँ ना आगे, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा यार। यहाँ पे लावा पूल है, जो कि फिर से एक और बार नॉर्मल है। एंड यहाँ पे लीव्स है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो अभी हम इसको मतलब लाइक अच्छा बनाएंगे। एंड भाई, मैं जो चीज़ ढूंढ के आया हूँ ना आज, मतलब काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो गाइस, अभी हम लगाने वाले हैं शेडर, जो कि बहुत अच्छा शेडर होने वाला है, जिससे कि यहाँ पे जान लगने वाली है अपने इस पूरे माइनक्राफ्ट में। तो 3, 2 एंड 1। ये देखो यार, कितना अच्छा शेडर लगा है यार, मैंने बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये देखो, यहाँ पे लीव्स है एंड इसकी शेडो दिख रही है हमको भाई। एंड यहाँ पे लावा पूल भी है, चलो इसके भी हम नज़ारे देख लेते हैं। एंड देखो भाई, पूरा मतलब साइड में ब्राइट 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 हो चुका है। एंड ये काफ़ी ब्राइट शेडर है। एंड यहाँ पे ये शेडर कितना अच्छा है यार, मतलब सबसे बेस्ट शेडर मेरे को यही दिखा। एंड इसका पानी भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब पानी के तो तुम दीवाने हो जाओगे। रुको, मैं तो अभी इसका पानी दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा इसका पानी, ये देखो यार, ये क्या पानी है, नहीं लग रहा तुम्हें एकदम रियल भाई? ऐसा पानी तुम्हें किसी भी शेडर में नहीं मिलेगा। रुको, तो मैं नीचे भी जाके मैं दिखाता हूँ। पूरा एकदम फॉगी इफेक्ट दे रखा इसमें, जिसके ये मतलब लाइक रियल लगे, एकदम अच्छा लगे, इसलिए यहाँ पे एक फॉगी इफेक्ट भी दे रखा है। एंड पानी के नीचे भी सब कुछ एकदम क्लियर देखने को मिलता है। एंड ये शेडर दिखने में तो काफ़ी अच्छा ही है। एंड यहाँ पे कितना अच्छा व्यू भी तुम्हें पानी के यहाँ पे मिल रहा है। अगर ये शेडर को लगा के हम खेलेंगे तो काफ़ी मज़ा ही आने वाला है भाई। एंड ये अच्छा है, मैं पैच वर्जन में खेल रहा हूँ, जिसमें रेंडर ड्रैगन सपोर्ट करता है, वरना तो भाई नहीं मिलता मन को शेडर। तो यहाँ पर टॉर्च से भी ब्राइट दिख रहा है। रुको, मैं तुम्हें रात करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम रात कर लेते हैं, यहाँ से जाएंगे यहाँ पे मिडनाइट कर देते हैं। एंड ये रात हो चुकी है। एंड इसका आसमान भी कितना अच्छा है, यहाँ पे एकदम सर्कल सर्कुलर, मतलब आधा सर्कल वाली लाइन भी देखने को मिल जाती है। एंड अभी पहले तो यहाँ पे भाई कितना अंधेरा है, यहाँ पे टॉर्च लगा देते हैं। ये देखो, एकदम पूरा इसका एरिया ब्राइट हो चुका है भाई, कितना अच्छा लग रहा है यार। ये तो मतलब पूरा ब्राइट शेडर, अगर तुम यहाँ पे आजू बाजू टॉर्च लगाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो पहले डे करके तुम्हें इस शेडर का नज़ारा दिखाने को मिलता है, मतलब डे में ये शेडर बहुत अच्छा देखने को मिलता है तुम लोगों को। तो गाइज, अभी लगाने वाला है हम टेक्सचर पैक, जिससे कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो 3, 2 एंड 1 लगाते हैं टेक्सचर पैक। ओके, कितना भाई ही क्या हो गया मेरे वर्ल्ड को, मतलब एकदम ट्रेलर बन चुका है यार। मैंने भाई माइनक्राफ्ट को ट्रेलर बना दिया, पर रुको अभी तो चीज़ें बाकी हैं यार। ओ भाई रुको, यहाँ पे मेरे पास विलेज है पास में ही, तो इस विलेज में चले जाते हैं। वैसे ही वही पुराने वाला वर्ल्ड है जिसमें हमने मतलब पहले भी इस वर्ल्ड में मैंने ग्राफिक अपग्रेड कर रखा है। यहाँ पे विलेजर का घर तुम्हें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे है अपना पूरा विलेज। ये देखने में मतलब नहीं लग रहा तुमको ट्रेलर जैसा, मतलब ट्रेलर से अच्छा देखने को मिल रहा है यार, क्या ही मूवी। मतलब मैंने बैड रॉक एडिशन में करा है, तुम सोच सकते हो ना कितना मस्त कर दिया है भाई। अब यहाँ से तुम मतलब तुम देखो, अगर मैं यहाँ से ऐसे चलूँ, जैसे कि यहाँ से मैं चलूँ, क्या ही लुक आएगा यार, कितना अच्छा लग रहा है भाई। मतलब भाई ओके ओके, यहाँ पर विलेजर भी है, एक आउटपोस्ट भी है भाई, मतलब ये तो परफेक्ट है अपना वर्ल्ड के लिए। मतलब ग्राफिक तो हमने ट्रेलर जैसे कर ही दिए हैं, इसमें अब क्या ही डाल सकते हैं। रुको, पर अभी एक और चीज़ डालना बाकी है, पर पहले तुम ये नज़ारे देखो ट्रेलर वाले ग्राफिक के, आए हाय क्या ही अच्छा लग रहा है यार। तो गाइस, अब एक लास्ट चीज़ करते हैं, जो कि एकदम पूरा ट्रेलर जैसा बना देगा अपने वर्ल्ड को। तो फिर चलो, तो गाइस अब रेडी हो जाओ तुम एक बहुत अच्छा चेंज देखने के लिए। कुछ नोटिस किया? रुको तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे इस विलेजर को देखो, इसमें मैंने एक एनिमेशन वाला मोड डाल दिया है, जिसकी मदद से ये देखो आईब्रो कैसे कर रहा है ये कितना फनी लग रहा है। इसके पैर को देखो, दोनों अलग अलग पैर है देखो। एंड इसकी चलने की स्टाइल, रुको मैं यहाँ पे एक जोम्बी स्पॉन करता हूँ, जिससे कि तुम्हें अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कैसे होने वाला है। रुको अभी इसके पास चलते हैं, देखना ये कैसे अपनी आँखें करेगा। तो चल कैसे रहा है, देखा तुमने इसकी आँखों को, देखा ये कैसे कर रहा है। एंड यहाँ पे अपना आयरन गोलम,
बचाने जा रहा है अपने विलेजर को एंड मार दिया ज़ॉम्बी को। मतलब इसकी स्टाइल भी पूरी एकदम चेंज हो चुकी है। रुको यहाँ पे मैं स्पॉन करता हूँ, ये देख रहे हो मतलब कैसे चल रहा है भाई आयरन गोलम। भाई तू तो एकदम सलमान भाई बन गया यार। एंड देखो ये देखो अपने आईब्रो कैसे कर रहा है, भी देखना मैं इसको थोड़ा हिलाऊंगा ना, देखना मेरे भी देखेगा। ये देखो इसका मतलब पूरा एकदम एनिमेशन हो चुका है, एकदम पूरा मूव कर रहा है इसकी बॉडी। ये देखो यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी करते हैं स्पॉन। एंड ये देखना ये कैसे चल रहा है भाई अपना आयरन गोलम। भाई साहब क्या बना दिया माइनक्राफ्ट को हमने, एकदम पूरा ट्रेलर जैसा कर दिया। ये देखो ये भी अपने आईब्रो यार कर रहा है। एक काम करते हैं गाइस, अभी एक फाइनल लुक तुम लोग देखो। एंड यस फाइनली हमने माइनक्राफ्ट को एकदम ट्रेलर जैसा बना दिया है, हमने अपना गोल अचीव कर लिया है। एंड मुझे पता है मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली थी, बट कुछ के मतलब पीछे के भी कुछ रीज़न है। तो ओके तुम लोग लाइक कर लो, मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगले वीडियो में, और तुम्हें पता है क्या होने वाला है। ओ!